मैडम अभी बच्चों के हम बच्चों के का बात कर रहे हैं तो थोड़ा और अपने अनुभव, क्योंकि आप ज़्यादा मेरे ख्याल से डीलिंग आपका बच्चों के साथ है, कैन यू टेल अस समथिंग कि व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट बच्चों पे आ रहा है, क्या बिहेवियरल चेंजेस जो आ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर यू सीइंग इन टर्म्स ऑफ देयर अफेक्शन टुवर्ड्स स्टडी, टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टुवर्ड्स देयर अदर फ्रेंड्स, वो बिहेवियर चेंजेस जो है वो कैसे क्या देख रहे हैं आप बच्चों पे? स्टूडेंट्स या प्रीवियसली व्हेन आई वाज इन दिस फील्ड फॉर सो मेनी इयर्स, पहले मेरे को लगता कि 5 साल के बाद सोसाइटी चेंज हो रही है. अभी तो मैं देखती है तो ऐसा लगता है 5 मिनट में चेंज. आज मैंने ये केस हैंडल कर ली, नेक्स्ट डे स्टिल हॉरिबल, आई डोंट नो. एंड दिस ऑल एक्सीलरेटेड स्पीड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, आई फील इट. कैन यू एलैबोरेट प्लीज? या वन थिंग इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. One thing is there, the worst is the computer game. First, when I started my practice, पहले मैंने बियर के केसेस निकाले, ड्रग्स के निकाले, अभी उनको जगह उनकी जगह ली है कंप्यूटर गेम्स ने. पूरा नाइट बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, देन सुबह 4 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग दे स्लिप. नेक्स्ट डे पेरेंट्स बोलते हैं कॉलेज जा, क्लास जा, जाता है, दे आर इज इन द ड्राउजी मूड, कुछ समझता नहीं है, कुछ नहीं है. And every year during the month of June, July, when the results are out, 7 or 8 students are failing because of the computer game. And I have seen the mark sheet, physics, chemistry, maths, 5, 6, 7, part 6, 7. I said next to impossible, because 30 marks you get for the practicals, and the back benchers also they give the 28 marks. How can you get 4 and 5? It's next to impossible. देन पेरेंट्स को ऐसा कुछ कुछ ये नहीं बोलते. द थिंग इज दैट वेन देर आई टोल्ड यू, वेन देर आर 1 or 2 स्टूडेंट, जनरली दे गिव द कार ड्राइवर फॉर द कॉलेज क्लास हियर. दिस पर्टिकुलर वन ऑफ माई केस, कार से पटकर कॉलेज में उधर तक जाना, ड्राइवर गया बाद में कॉलेज नहीं अटेंड करने का. देन नेक्स्ट स्टेशन वॉज द कंप्यूटर गेम खेलने का, 6 बजे अगेन द मोबाइल इज देयर, ड्राइवर को फ़ोन करने का, मैं कॉलेज इज ओवर, घर पे आने का, अगेन दे मम्मी ये मेरा इंजीनियर बनेगा, यूएस जाएगा, एंड ये नहीं वो सब बिग ड्रामा एंड ऑल थिंग्स. एंड थ्रू आउट द नाइट ही यूज टू प्ले द कंप्यूटर गेम. द वर्स्ट थिंग इज दैट ये सब खेलते खेलते व्हेन द आई थिंक 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का पेपर था, एंड ही वॉज द इंटरनेशनल गेम प्लेयर, एंड वो गेम रात को था. ही डिंट, फिजिक्स का बुक ही उसने खोला नहीं, बस इधर उधर से भागता है. एंड दैट गेम का झसका ऐसा है जैसे शाम को दारू वालों को शाम को दारू चाहिए, ड्रग्स वालों को ड्रग्स चाहिए, दैट मच ऑब्सेशन इज फॉर द गेम. वो रात को फिजिक्स बिल्कुल नहीं, इधर उधर घुमा. देन द फादर उसको गाड़ी में बिठा के जाके कंप्यूटर गेम खिला के, वेयर दे वेंट टू द सम स्टेशन, एंड मॉर्निंग ही केम, ही ओपन द फिजिक्स पेपर, एंड 11 बजे फिजिक्स का पेपर था. वो जसका इतना रहता है, लाइक अ एडिक्शन है. सो प्लीज़ इफ योर चाइल्ड विद द कंप्यूटर गेम, प्लीज़ स्टॉप देम. बस 15 मिनट खेला बात, एक बार उसमें घुसे, विन हो गए, चलो ये गेम वो गेम वो गेम, 8-8 घंटा उनका गेम चलता है. एंड एवरी ईयर है 7-8, एवरी ईयर द नंबर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर गेम ही हैज प्लेड, बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर गेम ही हैज किल्ड. व्हेन द एकेडमिकली दे आर गोइंग डाउन, फर्स्ट पहला चेक करो वो कंप्यूटर गेम में है क्या नहीं. दिस इज द फर्स्ट लिटमस टेस्ट, यू शुड चेक इट. एंड द थिंग इज दैट 10 ईयर्स बैक आई हैव डन वन काउंसिलिंग. अभी उसका मैरिज होके, शी हैज गॉट मैरिड, द हजबेंड इज इन द कंप्यूटर गेम. He sleeps 4 o'clock in the morning, she gets up 5 o'clock in the morning. She said, where is my family life? Ma'am, I am going to take the divorce. Wo hatta hi nahi hai game se. Wo jaska ekdam, this is like addiction. So please see that your children are not with the computer game. That is at 101%. In all my lectures, all my articles, first I emphasis on like, it is like a drug ka chaska. एंड कंप्यूटर गेम का वही है. मैडम ने बहुत सारे आर्टिकल्स महाराष्ट्र टाइम्स वगैरह में भी दिए हैं, तो मैडम ये एडिक्शन ये क्यों होता है,
वाई इज इट कि इसमें ऐसे कौन सी चीजें जो आपने को इतना चस्का देती है? वन थिंग इज देयर नाउ द मैडम, थोड़ा सा आप हिंदी में ज्यादा बोलेंगे तो प्रेक्षक को और मजा आएगा. ये ऐसा होता है कि अभी एक दो बच्चे, देर इज नो कम्युनिकेशन, घर में कम्युनिकेशन नहीं रहता है भाई के साथ, नहीं कि किसी एक बार बैसे बैठे तो क्या है, उनके लिए कम्युनिकेशन इज अ गेम ओनली. देन देर इज अ गेम में उनका पूरा ग्रुप रहता है, उनका सोशल कॉन्टैक्ट विद द गेम पार्टनर, नॉट घर के पार्टनर, माँ बाप भाई वो पार्टनर नहीं है, गेम के पार्टनर. दैट टाइम दे विल मीट और गेमिंग खेलते रहेंगे. सो ये आइसोलेशन में उधर ही जस्का रहते, एक बाजू ही बैठे रहते, और उसका ही होता है विन हो गया. एंड इन द स्कूल यू आर नॉट क्लेवर, यू आर फेल दिस दैट, वो चलता है. गेमिंग में विन हो गया, यू आर वेरी क्लेवर एकदम. सो दे साइकोलॉजिकल दे फील वाह वाह आई एम क्लेवर. घर वाले स्कूल वाले बोलते हैं डम है ये कुछ करता नहीं. इधर दे गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम दैट गेम साइकोलॉजिकली. सो दे आर फॉर द रिवॉर्ड. स्कूल में नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता, उधर तो उनको रिवॉर्ड बराबर मिलता है. सो दे आर ऑन दैट. एंड गेमिंग में होता है, रात को होता है, देन सेम थिंग इज देयर. रात को 4 बजे होता है, बंद करके कंप्यूटर गेम खेलता है क्या, पढ़ाई करता है. दैट अगेन यू डोंट नो. डोंट गिव टू मच प्राइवेसी टू योर चिल्ड्रेन. लेकिन मैं सुना है बच्चे आजकल इतने हटीले हो गए हैं कि उनको इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता है पेरेंट्स का. पेरेंट्स ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे उनके प्राइवेट लाइफ में. दे डोंट लाइक इट. दे वॉन्ट देयर वॉट मम्मी यू शुड गिव मी सम स्पेस, आई एम ग्रोन अप नाउ, यू शुड गिव मी सम स्पेस. तो ये स्पेस क्या है भाई? स्पेस नहीं, पहले से रैपो टूट गए हैं पेरेंट्स से. अभी टू बी फ्रैंक पेरेंट्स भी ऐसे पेरेंट्स जैसे नहीं बिहेव करे पहले जैसे. फॉर एग्जाम्पल गुरु मीन्स गुरु. हमारे टाइम गुरु मीन्स गुरु, वो इतने अच्छी तरह पढ़ाते ये. अभी तो देखो ट्यूशन वाले घड़ी मनी ये टाइप के गुरु ट्रांसफॉर्म हो गए. सेम थिंग ऑल द पेरेंट्स आर नॉट, आई एम सो सॉरी, यू मे बी ऑल ऑफ आप सब लोग अच्छे होंगे, लेकिन मेरे यहाँ आए गए तो मैं देखती है पेरेंट्स भी इतने आइडियल पेरेंट्स नहीं है. तो पहले से ही डिफरेंस है, पहले से ही डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस बढ़ के बाद में दे हेट द पेरेंट्स. पेरेंट्स नहीं चाहिए तो आई वॉन्ट माई स्पेस. पेरेंट्स का ही आपने अपनी ही जो बिहेवियर इतना अच्छी तरह मॉडल, ऐसा फादर मीन्स लाइक दिस, मदर मीन्स लाइक दिस. अभी नहीं, मदर भी 40+ हो गई, मीन्स मदर भी थोड़ी थोड़ी अलग सी मेरे को दिख रही है, फादर भी अलग से दिख रहा है. तो एज अ फादर एंड मदर फिगर पायस राइचस मॉरल पेरेंट्स में ही गिर गए हैं. तो उनको स्पेस चाहिए, अभी मानते नहीं इतना पेरेंट्स को. बट जो आपने अपना ही बिहेवियर काफ़ी अच्छा रखा तो आई एम 101% श्योर स्कूल छूटने के बाद बच्चा पहला घर पे ही आएगा, 101%. सेकेंड थिंग, आपका किचन इतना अच्छा रखो. मेरे 2-3 क्लाइंट्स, एक तो विद भक्ति ऑल्सो है, विदाउट भक्ति ऑल्सो है. तो मॉर्निंग 7 बजे, आप बाहर कुछ भी नहीं खाना का, 7 बजे का क्लास, सुबह निकला. अभी यंगस्टर्स को कितनी भूख लगती है ऐसी, व्हेन 11-12 स्टूडेंट क्लासेस होते हैं, सुबह जाना है, 7 बजे कुछ खाया नहीं. तो द थिंग इज दैट स्टेशन पे जाके वड़ा पाव खाया, भूख लगती है तो खाया, तो तुम्हारा गार्लिक अनियन का कॉन्सेप्ट गया. भूख इतनी थी, घर से कुछ नहीं मिला, वो खाया. अभी लास्ट मंथ आई हैव सीन वन डीओटी फ्रॉम द जू, क्या बोला, अंडा भुर्जी खा के आया. मैम ये भक्त का मुलगा अंडा भुर्जी खाया. उधर भी हो, मैं 7 बजे निकलता हूँ, मम्मी सोती है, नहीं तो जपा करती है, मेरे को ये नहीं मिलता है, एक गिलास दूध देती है और जाती है. मेरे को बहुत भूख लगी और मेरे को पैसा बहुत कम था, तो सामने भुर्जी अंडा ले की गाड़ी थी, मैंने खा लिया. मैम इसमें रॉन्ग है क्या? द थिंग इज दैट उसमें आप देखो, जब भी आप बच्चे का कुछ निगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं ना, बैठ के उसमें देखो मेरी कितनी गलती है, पहला वो देखो. दूसरे को ऐसा ऐसा करना बहुत ईजी है, मैं वो आपका ही बच्चा है, आपके घर में है, ये अलग तरीके से बिहेव करता है, तो इज समथिंग हैज गॉन विथ मी, वॉट इज गॉन. यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम द गोविंद प्रभु एंड ऑल. इनकी लेवल तो इतनी है, उनके पास रीज़न भी है, ये है वो है, बट एवरीथिंग इट इज़ वेरी इजी. छोटे बच्चे को तूने किया, इसको स्पेस पाइज.
तो इन व्हेन दे आर इन द प्यूबर्टी दे डोंट केयर अबाउट देयर दिस थिंग्स पेरेंट्स. अभी मैंने टॉप मोस्ट बिल्डर के बच्चे का भी किया. ही वॉन्ट्स 40,000 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी. मैं बोला 40,000 पर मंथ. मैं बोलूँ क्यों चाहिए? इज फ्रॉम द हाई फाई स्कूल, वो पब में जाने का, सबको सबका पैसा खुद भरने का, दैट इज़ अ बिग थिंग. आई एम जस्ट सबके फीस दिस मीन्स गोइंग टू द पार्टी पेमेंट एंड ऑल. आई सेड व्हाई यू वांट दिस? माय मैम माय फादर स्पेंड 2 lakhs पर मंथ, तो मैंने 40,000 मांगा तो क्यों, उसमें क्या हो गया? आई सेड फादर 20 crore महीने में कमाता है, तू कितना कमाता है रे? कुछ है. Parents are giving you the food, shelter, clothes, tuition fees, everything. And for 40,000, and for just to show off that I am spending the money on your parties and this. So all these things are there.